हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू द द्रोणस। द द्रोणस की इस क्लास में आप सभी लोगों को स्वागत है। सभी लोगों की इस क्लास में वेरी वेरी वेलकम। शब्बाई के क्लास से सुस्वागत। स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? तो पहले मैं कुछ तो छो, तो फिर चलिए हम लोग स्टूडेंट शुरू करते हैं द द्रोणस के यूट्यूब चैनल के अंदर में। आज जो क्लास होने वाला है ठीक रात को 9 बजे, ये क्लास स्टूडेंट्स टोटली जनरल नॉलेज के ऊपर में रहेगा। और स्टूडेंट्स, ये क्लास एकदम लाइव और एक्सक्लूसिव होने वाला है। और इस क्लास के जरिए से आप लोगों को जितना सारा कंप्यूटिव एग्जाम्स, जिस तरह के WBCS, SSC, WBP, बैंक, रेलवे, डिफेंस, सभी के ऊपर के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो इसलिए मैं आप लोग को बताऊंगा, ये क्लास आप लोग जरूर लाइव देखिए। और लाइव करने के साथ साथ अब लाइव चैट बॉक्स में भी आप लोग आ जाइए, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट तो मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आइए एक एक करके सब लोग, मेरा बात आप लोग को सर प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, मैं जो शेयर करूँ ये भी आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या, जरूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मैं आ चुका हूँ आप लोग को। अमित सर, आज का क्लास क्या क्या क्वेश्चन से, चलिए हम लोग एक एक करके करके देख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए सब लोग रेडी हो, तो चलिए देखते हैं आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के पास आ चुका है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए, जो आप लोग को स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। क्या है ना दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, नंबर 1। तो देखिए इसमें जो बोला जा रहा है, क्या द मलिमत कमिटी रिपोर्ट डील्स विथ, तो ये डील्स किसके ऊपर में करते हैं। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन ए पर है जुडिशियल डिलेस, सी पर है टेक्सटाइल सेक्टर रिफॉर्म्स, सी पर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म्स, और डी पर है स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स। तो स्टूडेंट्स आइए आप लोग कमेंट करके बताइए। अमित लवर ऑलरेडी कमेंट कर चुका है, बाकी लोग को भी मैं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसका आंसर आप लोग को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आंसर होगा ये होगा आपका कौन सा, ना ही होगा ऑप्शन सी, एकदम सही बात आपने बोला मतलब ये होगा स्टूडेंट्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स रिफॉर्म के ऊपर में ये कमिटी फॉर्म हुआ था स्टूडेंट्स। ओके, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ये कमिटी कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था। तो जब स्टूडेंट्स ईयर के बारे में पूछा जाएगा ना, तो ईयर आप लोग जरूर लिखिएगा, ईयर होगा इन द ईयर ऑफ 2000। तो 2000 में स्टार्ट हुआ था ये कमिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ यस, कुशल छेत्री आपने भी सही बात बोला। और इसके साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, जब कमिटी का बात आया तो 2-3 कमिटी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे सरकरिया कमेटी। कैसे सरकरिया कमेटी, तो ये आप लोग को एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सरकरिया कमेटी कब स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, तो जब बताया जाएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये कमेटी स्टूडेंट्स सेंट्रल और स्टेट, मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस के ऊपर में ये कमेटी फॉर्म हुआ था। क्या हुआ था? सेंट्रल एंड स्टेट्स के रिलेशंस के लिए एक कमेटी फॉर्म हुआ था स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर एकदम। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स एक और कमेटी भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिस तरह से उसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। क्या है? बलवंत राय मेहता कमेटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कमेटी जो आपको होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बलवंत राय मेहता कमेटी जो होगा, ये कमेटी फॉर्म हुआ था 1957 में। और ये कमेटी आप लोग को शायद मालूम है, ये 3-tier पंचायती राज के लिए फॉर्म हुआ था। यस यस, अमित लवर एकदम सही बात आपने बोला, सरक्रिया कमेटी 1983 में हुआ था स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को शायद क्लियर हो गया है, क्या क्या आप लोग को इसके अंदर में पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में। क्लियर सब लोग को? चलिए देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नंबर 2 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, जहां पर बताया जा रहा है व्हिच कंट्री हैज द फास्ट टू इंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST। तो देखा जाए तो इसमें चारों ऑप्शन है। ऑप्शन ए पर है फ्रांस, बी पर है USA, उसके बाद सी पर है जर्मनी, उसके बाद डी पर है कनाडा। तो स्टूडेंट्स आइए कमेंट करके बताइए क्या होगा। यस शर्मिला, अमित लवर, आप लोगों ने एकदम करेक्ट बात बोला, बाकी लोग को भी मैं बताऊंगा, सिर्फ क्लास को आप लोग लाइव मत कीजिए, उसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग जरूर क्लास के अंदर में एकदम लाइव चैट बॉक्स में आप लोग आ जाइए, कमेंट कीजिए और भी अच्छे लगेगा स्टूडेंट्स। तो ये आंसर स्टूडेंट्स एकदम आपने सही बात बोला, ये होगा ऑप्शन ए, मतलब फ्रांस इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर। क्या होगा? फ्रांस। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, ये फ्रांस में ये GST मतलब ये वैल्यू एडेड टैक्स, ये कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था। देखिए जब आप लोग को ईयर के बारे में पूछा जाएगा, ईयर आप लोग जरूर लिखेगा, ईयर होगा आपका 1954 में हुआ था स्टार्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा स्टूडेंट्स, ये GST इंडिया में कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था। देखिए जब इंडिया का बारे में आप लोग को बताया जाएगा तो लिखेगा GST इंडिया में 2017 पर हुआ था स्टार्ट। और एक चीज़ आप लोग को मैं और भी बताऊंगा स्टूडेंट्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाला है, ये GST कौन सा डेट में हुआ था स्टार्ट, मतलब इस डेट में ही GST डे एवरी ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये है आपका 1 जुलाई, जो 1 जुलाई स्टूडेंट्स ये है आपका GST डे, ये भी आप लोग जरूर लिखिए। यस अमित लबार, आपका शौनाली रॉय, एकदम आपने सही बात बोला। यस 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 दार्जिलिंग टी, ये दार्जिलिंग टी मतलब समझ में नहीं आया, सोनली क्या बोला आपने, एक बता दीजिए।
और जीएसटीआर ये कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था स्टार्ट, ये होगा आपका 101 अमेंडमेंट में स्टार्ट हुआ था ये जीएसटी। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया है क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा एकदम, और चीज एक आप लोगों को मैं बताऊंगा जरूर, एक इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर लिखिएगा, ये जो जीएसटी ना इंडिया में कौन सा स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। तो इंडिया में जब स्टेट के बारे में बताया जाएगा सबसे पहले स्टार्ट कब कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था स्टूडेंट्स आसाम में, ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा कहाँ पर हुआ था, आसाम में। एकदम सही बात सुन रही, वेरी गुड, आप लोगों ने सही बात बोला, वेल से। तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए नंबर 3 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आज के क्लास के लिए, जहाँ पर बताया जा रहा है द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज एस्टेब्लिश बाई आपका दुराबाई जी टाटा इन विच ईयर। तो देखिए इसमें आप लोग को चार ऑप्शन सबको दिखाया जा रहा है, सबसे पहला ऑप्शन ए पर है कौन सा 1919, उसके बाद है आपका 1913, उसके बाद ऑप्शन सी पर है 1907, उसके बाद ऑप्शन डी पर है 1911। तो स्टूडेंट्स आइए आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या होने वाला है। तो ये आंसर एकदम सही बात देखा जाए तो शॉर्नली एकदम करेक्ट बात बोला, शर्मिलिया एकदम करेक्ट बात बोला, अमित भी करेक्ट बात बोला, तो ये आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, मतलब 1907 में हुआ था स्टार्ट। और स्टूडेंट्स ये कौन सा डेट पर हुआ था, तो ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा 26 अगस्त। देखिए डेट उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम में नहीं उतना पूछा जाता है, फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ ये आंसर होगा ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, 26 अगस्त होगा करेक्ट आंसर। यस अमित लवर आपने सही बात बोला, वेरी गुड। कुशल छेत्री यस एकदम सही बात बोला, और यह क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करना जरूर मत भूलिएगा, वेरी गुड वेरी गुड ओके। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, ये देखिए 1913 जो आप लोग को दिखाई दे रहा है इसमें ऊपर भी एक क्वेश्चन आपको बताया जाता है, तो 1913 में स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बताऊंगा ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हुआ था एस्टेब्लिशमेंट, ये भी आप लोग लिखेंगे। 1913 में स्टूडेंट्स इंडिया का सबसे पहला जो फिल्म जो साइलेंट मूवी है जिसके नाम राजा हरिश्चंद्र, ये हुआ था आपका रिलीज्ड, क्या हुआ था राजा हरिश्चंद्र, इसके बारे में आप लोग को मैं बता देता हूँ, ये भी आप लोग जरूर लिखिए। जो फिल्म स्टूडेंट्स ये इसको मतलब आपको डायरेक्ट किया था कौन ना आपका होगा दादासाहेब फाल्के, खुद ही किया था डायरेक्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ 1911 का बात मैं आप लोग को बता दूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1911 में आप लोग को बताया जाता है ये जनगण मन ये हुआ था, नहीं ये 26 अगस्त होगा नॉट अमित 26 ही होगा, ठीक है। 1911 में जनगण मन कोलकाता सेशन में हुआ था फाइनल स्टार्ट, और 1911 में आपको मैं बताऊंगा CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी फॉर्म हुआ था, नॉट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी फॉर्म हुआ था आपका 1911 के। तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हम लोग चले आते स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में, चलिए देखते क्या क्वेश्चन है। तो देखिए नंबर 4 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है क्या ना थोड़ा एज अ स्पोर्ट्स डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है, सबसे पहला ऑप्शन ए पर सिक्किम, बी पर अरुणाचल प्रदेश, सी पर हरियाणा और डी पर हिमाचल प्रदेश। तो स्टूडेंट्स आइए कमेंट करके जरूर बताइए आंसर आप लोग को क्या लग रहा है, बहुत लोग क्लास के अंदर में आ चुके हो बहुत अच्छा लग रहा है, तो स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए आंसर क्या आपका होने वाला है। तो थोड़ा स्पोर्ट्स डांस तो एनी आइडिया नो आइडिया, तो सोनली बोला ऑप्शन डी, शर्मिला बोला, अमित लवन ने बोला वेरी गुड वेरी गुड। तो जिन जिन लोग आप लोग ऑप्शन डी मतलब हिमाचल प्रदेश के बारे में आप लोग बता रहे हो एकदम करेक्ट बात आपने बोला, वेरी गुड कुशल वेरी गुड। और इसके साथ साथ आप लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन भी पढ़ना पड़ेगा, चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर में जब आपको फेमस डांस के बारे में पूछा जाएगा ना, फेमस डांस कौन सा है मतलब फोक डांस, तो ये आप लोग जरूर लिखिएगा, इसका नाम है कुलू नाटी, कौन सा है तो लिखिएगा कुलू नाटी जो होने वाला है ये इसका फेमस डांस है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लोग जरूर लिखिए, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग एक और इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट चीज रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश में एक स्टूडेंट्स रामसर साइट भी है, रामसर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, कौन है ना स्मॉलेस्ट रामसर जिसको बताया जाता है रेणुका, क्या बताया जाता है रेणुका इसको बोला जाता है, जो रेणुका का स्टूडेंट्स 2005 मैं फिर से बता रहा हूँ 2005 में इसको रामसर से स्टेटस भी मिला था, तो ये आप लोग जरूर लिखिएगा। यस 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 ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यस भी हिमाचल प्रदेश के अंदर में, यस तापसी भी से आपने सही बात बोला वेरी गुड वेरी गुड, देवनाटी भी है एकदम सही बात वेरी गुड वेरी गुड। तो काफी सारे लोग बहुत अच्छा आंसर किया वेरी गुड। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आप लोग को बताकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाऊंगा, जैसे ऑप्शन ए पर है सिक्किम, सिक्किम को स्टूडेंट्स इंडिया का फर्स्ट इसको ऑर्गेनिक स्टेट बोला जाता है, क्या बोला जाता है ऑर्गेनिक स्टेट, ये बहुत बार आप लोग एग्जाम में इसको मिला है, तो ये भी आप लोग जरूर लिखिए। और सिक्किम में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है आपका क्या कांचनजंगा नेशनल पार्क, जो इंडिया का वन एंड ओनली
वन क्या है, वन क्या है ना, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है, तो ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा जो रेड पांडा के लिए फेमस है स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड सोनाली, एकदम सही बात बोला। सिक्किम आप लोग को 75 आप लोग को पता है, जहाँ पर फसिम को फर्स्ट आपका एसोसिएटेड आपका स्टेट भी बोला गया था स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर चले जाते हैं, देख लेते क्या क्वेश्चन है नंबर 5 आज की क्लास के लिए। ठीक है चलिए, तो देखिए नंबर 5 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्वर वाज द फर्स्ट टू बी एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्वर, बी पर है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्वर, सी पर है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्वर और डी पर है आपका सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्वर। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताया क्या होगा। यस अमित शर्मिला स्वर्णली आप लोगों ने एकदम कमेंट बात बोला। अबीर आपने भी सही बात बोला, ये होगा ऑप्शन बी मतलब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्वर, एकदम करेक्ट बात। तासी शेप्रा आपने भी सही बात बोला वेल से। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज भी बताऊंगा स्टूडेंट्स, ये जो नीलगिरी है ना, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्वर ये फॉर्म्ड कब हुआ था, तो ये फॉर्म्ड हुआ था इन द ईयर ऑफ 1986, ये भी आप लोग जरूर लिखे। और ये इंडिया का ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्वर भी है। और इसके साथ साथ इस 1986 में स्टूडेंट्स एक हुआ था, उसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जब आप लोग को पूछा जाएगा ये कौन सा ईयर में स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स, तो ये होगा आपका 1986। और स्टूडेंट्स तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया है, वेरी गुड। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, आप लोग एग्जाम्स के लिए बहुत काम आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चले जाते हैं, देख लेते क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 6 पर मैं आपको आ चुका है, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है स्टूडेंट्स क्या क्या डैश इज द ग्रुप फोक डांस सिक्किम परफॉर्म द आवर ऑफ द माउंट कंचनजंगा द गार्डियन द डेंटी ऑफ सिक्किमीज पीपल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखिए चारों ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है पर जो माई लुक, उसके बाद है टेंडोंग लो रामफट, उसके बाद है छुफट, उसके बाद है किंचुन चू वसाला। तो आइए कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो देखा जाए तो सिर्फ कुशल छेत्री ने कमेंट किया सर, ऑप्शन बी राइट बाय करेक्ट आंसर। बाकी लोग को भी बताऊंगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए, गलत हो जाएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये आंसर जो रहने वाला है ना, ये होगा ऑप्शन सी, नहीं बी नहीं, शॉर्टली गलत हो गया, ये होगा ऑप्शन सी मतलब छुफट होगा इसका करेक्ट आंसर। आप लोग इसको जरूर लिखिए, जो आप लोग को जो कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किमीज पीपल ये कराया जाता है, जो आप लोगों को ये माउंट आपका पंदीम माउंट करबू माउंट सिंघभूम, जहां पर ये डांसेस आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स। और ये बेसिकली फूड गेम्स के लिए डांस होने वाला है। यस यस, जिन जिन लोग आप लोगों ने ऑप्शन सी बताया एकदम करेक्ट बात बोला। यस किरण छेत्री, तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेरे कोई डिस्कस करने का बात है नहीं। तो चलिए देखते हैं नंबर 7 क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नंबर 7 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है क्या नेम द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाया जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है पर इंदिरा गांधी, बी पर है आपका श्री भवो द बंकड़िया, उसके बाद है गोल्डिया मेरर, उसके बाद है एलिजिया डोमिनियन। तो आइए कमेंट करके बताइए। यस यस सोनाली कमेंट किया, वेरी गुड। बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए। और एक चीज मैं आप लोग को बताऊंगा स्टूडेंट्स, जब आप लोग कमेंट करोगे ना, आप लोग क्वेश्चन को एंड मैंने नंबर को देकर कमेंट करो, तो मेरे को समझ के लिए और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सही बात, जिन जिन लोग स्टूडेंट्स आप ऑप्शन बी बता रहे हैं एकदम करेक्ट बात, वेरी गुड वेल से। 7 का भी एकदम सही बात, एकदम सही बात। तब से आपने भी सही बात बोला वेल से। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ने पड़ेगा। यस अमित लवर आपने सही बात, ये तो आपने बोल ही दिया। तो ये होगा आपका श्रीलंका, कौन होगा, तो ये होगा आपका श्रीलंका, इसको भी आप लोग जरूर लिखिए। क्या होगा, श्रीलंका होगा करेक्ट आंसर। ओके, और इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, श्रीलंका तो मैंने आपको बता दिया, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ये श्रीलंका का कौन सा ईयर में हुआ था, तो हुआ था 1960। कौन सा ईयर में हुआ था, 1960, ये भी आप लोग जरूर लिखिए। ठीक है, अच्छा गोलिया मिरर जो आपका है ये आपका इसराइल का है, कहाँ का है, तो अब लिखिएगा ये इसराइल का है, ये हुआ था आपका 1969 पर। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा एलिजाबेथ डोमिनियन ये सेंट्रल अफ्रीकन यूनियन में हुआ था, मैं क्या बताऊंगा, सेंट्रल अफ्रीकन यूनियन में हुआ था ये आपका एलिजाबेथ, जो आपका ऑप्शन बी पर है। ओके, तो मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया क्या क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा एकदम। और इंदिरा गांधी के बारे में तो आप लोग को पता ही है, 1966 पर हुआ था ये सबसे, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी। ओके, तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर में। चलिए नंबर 8 क्वेश्चन क्या आप लोग को लग रहा है, तुरंत हम लोग स्क्रीन कट देख लेते हैं। चलिए, तो ये देखिए नंबर 8 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जा रहा है
क्या ना इन इंडिया द प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड इंडिया, कब स्टार्टेड हुआ था। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन से, ऑप्शन ए पर है 1979, बी पर है 1973, सी पर है 1992 और डी पर है 1982। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए आंसर क्या आपको लग रहा है। तो स्टूडेंट्स ये आंसर जो लग रहा है, यस के शर्मिली आपने सही बात बोला, ये होगा ऑप्शन बी मतलब 1973 इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर। कौन सा होगा? 1973। और 1972 में स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था, कौन सा? नहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट ही, प्रोजेक्ट लायन। और प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ था 1992 पर। और स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर प्रोजेक्ट राइनो कब स्टार्ट हुआ था, कौन बता पाएगा प्रोजेक्ट राइनो कब स्टार्ट हुआ था, कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। चले देखते हैं नंबर 9 क्वेश्चन क्या है आज के क्लास के लिए, तुरंत हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 9 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर बताया जा रहा है क्या ना, हु बगलिया डैम इन कंस्ट्रक्टेड ऑन व्हिच रिवर। ठीक है, तो बताइए। वेरी गुड वेरी गुड अमित लबर, आपने सभी लोग बोला। तो प्रोजेक्ट आपका राइनो स्टार्ट हुआ था 2005 में, एकदम सही बात आपने बोला, वेल से। तो ये आंसर आपको बताइए बलीगढ़ डैम कौन सा रिवर। देखिए इसमें चारों ऑप्शन से, ऑप्शन ए पर है चिनाब रिवर, बी पर है आपका रावि रिवर, सी पर है आपका सतलुज रिवर और डी पर है इंदास रिवर। यस कुशल, ये जिन जिन लोग आप लोग चिनाब के बारे में बोल रहे हो, यस एकदम सही बात अमित लबार, एकदम आपने सही बात बोला। तो ये आंसर जो रहने वाला ये चिनाब रिवर ही होगा, मतलब ऑप्शन ए इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर। यस यस, तापसी सेप्टर आपने भी कोशिश किया, बड़ी बात है। तो रवि रिवर नहीं होगा, ये होगा आपका चिनाब रिवर, ये भी आप लोग जरूर लिखेगा। और स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1919 में, ये हुआ था कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। और ये प्रोजेक्ट ओपन हुआ था इन द ईयर ऑफ 2008। तो ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में, तक लिए देख लेते हैं नंबर 10 क्वेश्चन क्या है आज के क्लास के लिए। चलिए तो देखिए नंबर 10 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को दिखाया जा रहा है, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए पर है आपका सेदा थलिया, बी पर है लीला सेठ, सी पर है रुमा पाल और डी पर है आपका फतिमा बीबी। तो आइए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। अमित लवार, यस यस शर्मिला ने कमेंट सही बात बोला। तो ये आंसर होगा आपका जस्टिस लीला सेठ, मतलब ये होगा ऑप्शन बी इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा इसका सही और करेक्ट जवाब। तो ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा लीला सेठ जो कौन सा, ये आप लोग जरूर लिखिएगा। ये सबसे पहले जो दिल्ली, ये था फर्स्ट वुमेन जज दिल्ली हाई कोर्ट का। जब फर्स्ट वुमेन जज के बारे में पूछा जाएगा कहाँ पर है वुमेन जज, तो ये होगा आपका दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसको भी आप लोग जरूर लिखिए। और उसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा, ये आप लोग भी जरूर लिखिएगा, और ये चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट का जब हुआ था, कौन सा चीफ जस्टिस का स्टेट पर, तो ये होगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसको भी आप लोग जरूर लिख लीजिए। यस 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 यस। और फतिमा बीबी, ये सुप्रीम कोर्ट का है फतिमा बीबी। देखिए एकदम सही बात आपने बोला शॉर्टली, बट फतिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट का ये सीनियर मोस्ट जज था, मतलब ये चीफ जस्टिस नहीं था, क्योंकि चीफ जस्टिस देखा जाए तो अभी तक कोई इसमें वुमेन तो नहीं आया है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेते हैं। चलिए तो ये देखिए नंबर 11 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर बताया जा रहा है द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन, ये कहां पर है। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन से, ऑप्शन ए पर है सिक्किम, बी पर है जम्मू एंड कश्मीर, सी पर है उत्तराखंड और डी पर है असम। तो आइए कमेंट करके बताइए। यस अमित लवार एकदम सही बात बोला, यस वेरी गुड शर्मिलिया, रोनाली, अबीर, जिन जिन लोग आप लोग ऑप्शन सी मतलब उत्तराखंड आप लोग बता रहे हो, एकदम करेक्ट और सही जवाब। और आप लोग को शायद मालूम नहीं है, उत्तराखंड का स्टूडेंट्स दोनों कैपिटल है, एक को गर्सियन कैपिटल बताया जाता है जो ये समर कैपिटल है, और देहरादून एक कैपिटल है जिसको विंटर कैपिटल भी बताया जाता है। स्टूडेंट्स वेरी गुड, सभी लोगों ने करेक्ट बात बोला कि सरिस्ता महतो, ये आपने भी सही बात बोला, वेल से किरणचित त्रिवल से। तो फिर चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर में, देख लेते क्या है। तो देखिए नंबर 12 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहां पर आप लोग को बताया जाता है क्या ना, हु वॉज द फर्स्ट एवर फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क फॉर। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन ए पर है एंटोनियो गुटेरेस, बी पर है आपका फतिमा दिया सहित, जी पर है जेनियल नविक हिस्पी और डी पर है आपका मेलेडी अल्ब्राइट। तो आइए कमेंट करके बताइए क्या इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर। यस अमित लवर ने ऑप्शन बी बोला, बाकी लोग भी कमेंट करके बताइए क्वेश्चंस को आंसर देकर, मैं बताऊंगा क्वेश्चंस आंसर देकर पाएगा। यस तापसी, सर्नली, शर्मिलिया, अमित लवर, सभी लोगों ने एकदम करेक्ट बात बोला, वेल से। तो ये आंसर जो रहने वाला है ये होगा आपका कौन सा ना, ये होगा आपका ऑप्शन बी,
इफ धनिया सही तो होगा इसका करेक्ट आंसर। यस किरण, शरिष्ठा महा तो आपने भी सही बात बोला वेल से। और ये सार्क का ये 33 जो सेशन हुआ था ना, 33 जो सेशन हुआ था 2011 पर, तो इस 11 डे में सार्क का ये फर्स्ट एवर फीमेल जो था आपका सार्क के लिए, जो आप लोग को दिखाई भी दे रहा है स्टूडेंट्स। और सार्क एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? सार्क एस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टूडेंट्स 1980 आपका 5 में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट सार्क आपका 8 दिसंबर। यह भी आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, जो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल के अंदर में है। एकदम सही बात, जिन जिन लोग आप लोग ने बड़ा कमेंट, तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, देख लेते क्या क्वेश्चन है। तो देख लीजिए नंबर 13 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर आप लोग को दिखाया जा रहा है क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट द मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन से, ऑप्शन ए पर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उसके बाद आपको दिखाया जा रहा है क्या मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, सी पर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और डी पर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो स्टूडेंट्स आइए कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या लग रहा है। यस वेरी गुड, जिन जिन लोग आप लोगों ने ऑप्शन सी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बता रहा हूँ, एकदम करेक्ट जवाब। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा ये मिनिस्ट्री हाल ही में इसका चेंज हुआ है 2020 पर इसका मिनिस्ट्री चेंज होकर हुआ गया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या हुआ है? तो लिखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा ये मिड डे मील का जो नेम, इस नेम को चेंज भी हो गया, इसका नया नेम हाल ही में जो हुआ है इसका नाम है पीएम पोषण। क्या हुआ है? पीएम पोषण हाल ही में इसका नया नाम हुआ है स्टूडेंट्स। यस यस यस, क्वेश्चन नेपाली में दीजिए, नेपाली तो मेरा को मतलब बोलना नहीं आता है आपके शरीर माओ, तो मैं इंग्लिश और हिंदी में बोल पाता हूँ, तो ये नहीं होगा मेरे से। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा ये पीएम पोषण वेस्ट बंगाल में कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल में 2002 पर। ठीक है, तो सही में आप लोग को क्लियर हो चुका है कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। यस अमित लबर, सबसे पहले ये तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ एचआर इसको अडॉप्ट कर लिया था कब ना 1995 में 15 अगस्त, इसको भी आप लोग जरूर लिखे। यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तो हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। चलिए देख लेते नंबर 14 क्वेश्चन क्या आप लोग को लग रहा है, चलिए हम लोग तुरंत देख लेते। चलिए तो देखिए नंबर 14 क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इसका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन सबको दिखाया जा रहा है, सबसे पहले नेशनल हाईवेज 48, उसके बाद ऑप्शन बी पर है नेशनल हाईवेज 27, उसके बाद ऑप्शन सी पर है नेशनल हाईवे 44, उसके बाद ऑप्शन डी पर है नेशनल हाईवे 53। तो ये आंसर जो रहने वाला, यस यस किरण छेत्री छौंडली आप लोगों ने सही बात बोला, जिन जिन लोग ऑप्शन डी सही से बात हो, यस वेरी गुड 44, जिन जिन लोग आप लोग 44 बता रहे हो एकदम करेक्ट जवाब। और इसका कुल मिलाकर कितना लेंथ है, तो लिखिएगा 4411 किलोमीटर लेंथ, जो आपका श्रीनगर से ये चलाकर हो गया है आपका कन्याकुमारी तक, तो ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। यस वेरी गुड अमित लवर वेरी गुड, तो फिर हम लोग चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए तो देखिए नंबर 15 क्वेश्चन जो आप लोग को दिखाया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है द पॉपुलर बाघ के पेंटिंग आर फाउंडेड इन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑप्शन ए पर सिक्किम, बी पर मध्य प्रदेश, सी पर हिमाचल प्रदेश, और डी पर ओडिशा। तो कौन बता पाएगा? जैसे कुशल छेत्री 14 का सी बता रहा है, नहीं वो पहले वाला आंसर दिया, तो अभी आंसर दीजिए एमपी। तो शर्मिले एमपी बोल रहे हैं, अमित लबर को गेस कर रहे हैं सर उड़ीसा का, मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन सर, द पॉपुलर बाघ BHH केव। ओके तो सर नहीं पता क्या किसी को? ओके ठीक है, कोई इशू नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए मैं आप लोग को बताऊंगा ये आंसर होगा। यस जिन जिन लोग एमपी बोल रहा है एकदम करेक्ट जवाब वेरी गुड, तो गेस करना मालूम है ये सही आंसर होगा एमपी, मतलब ऑप्शन बी इसका रहने वाला है करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस तापी सेपरा स्विच वोक्स ओडिशा नहीं होगा आपका एमपी। ओके तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 पर, क्योंकि इसमें और कुछ डिस्कस करना है नहीं, 16 क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 16 क्वेश्चन पर जो आप लोग को दिखाया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है, Who founded the Indian Statistical Institute 17 December 1931? तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें चारों ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शन है पर एम एच हसन, बी पर है आपका आर ए फिशर, सी पर है आपका एफ येट्स, डी पर है पी सी मोहनोबिलिश। तो ये आंसर जो रहने वाला है तो कौन सा? यस वेरी गुड 16 डी अभी सी माना भी एकदम करेक्ट जवाब, आप लोगों ने सही बात बोला। जिसका जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 जून पर, कब सेलिब्रेट करते हैं 29 जून पर सेलिब्रेट किया जाता है, और 29 जून हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, क्योंकि इस दिन ही प्रशांत चंद्र मालवीय का जन्म हुआ था, तो इसलिए आप लोग उसको जरूर लिख लीजिएगा। ओके तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा ना 17 के अंदर में, ये कौन कौन सा क्वेश्चन है 17, चलिए हम लोग तुरंत देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 17 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है क्या द काला भवना फाउंडेड इन 1919
is a noted institution of the education, research and visual arts. It is located in, ठीक है, तो ये कहां पर लोकेटेड है बताया जाता है चारों ऑप्शन से, सही में आपको बताने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये ऑप्शन ए पर उत्तर प्रदेश, बी पर बिहार, सी पर सिक्किम और डी पर वेस्ट बंगाल। तो आइए कमेंट करके बताइए क्या आज का रहने वाला है। यस वेरी गुड अमित लबार, प्रतीक रांच नहीं, तो समीर में आपने सही बात बोला, किरण चित ने अपनी सही बात बोला, ये होगा ऑप्शन डी मतलब वेस्ट बंगाल होगा। और ये 1913 पर हुआ था फॉर्म, ये किसने किया था फॉर्म ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये फॉर्म किया था आर एन टैगोर ने, किसने, आर एन टैगोर ने इसको फॉर्म किया था। और ये आर एन टैगोर ये कहाँ पर किया था, ये शांति निकेतन में ये किया था फॉर्म, कहाँ पर, शांति निकेतन में। तो मेरे हिसाब से आप लोग को इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, एकदम वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये शांति निकेतन आप लोग को पता है जो वेस्ट बंगाल का थर्ड आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, जो हाल ही में इसको मिला है, ठीक है। तो फिर हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन से। तो देखिए नंबर 18 क्वेश्चन पर भी हम लोग आ चुके हैं, इसमें बताया जा रहा है क्या, वेरी इंपॉर्टेंट, इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ओके, इसमें चारों ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन ए पर है कौन सा, ऑप्शन ए पर है रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब कोलकाता, उस बी पर है रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है श्रीनगर, सी पर है टॉलीगंज गोल्फ क्लब कोलकाता और डी पर है क्लासिक गोल्फ रिसोर्ट न्यू दिल्ली। तो आइए स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए आंसर आप लोग को क्या लग रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोग को बताऊंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आंसर जो रहने वाला है ये होगा आपका कौन सा, टॉलीगंज नहीं सॉरी रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब, ये कोलकाता, मतलब ऑप्शन ए इसका रहने वाला है। वेरी गुड वेरी गुड शौनाली, रॉयल कैलकाटा वेल से, किरण चित्री कैलकाटा कैलकाटा, वेरी गुड अमित लबार सही बात बोला। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था स्टूडेंट्स कब, ये एस्टेब्लिश हो रहा था आपका 1829 में, कब हुआ था 1829 में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोगों को आंसर क्लियर हो गया कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, यस से पढ़ा एकदम वेरी गुड अमित सही बात। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर हम लोग चले आते हैं। चलिए तो देखिए नंबर 19 क्वेश्चन क्या है जो आप लोग को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, बताया जा रहा है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वोकल फॉर्म हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ओके, तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर है आपका तराना, बी पर है पकवास, सी पर है आपका धमर और डी पर है आपका ध्रुपर। तो ये आंसर क्या रहने वाला है, तो ये नॉट वोकल है, तो ये आंसर यस अमित लवर आपने सही बात बोला, ये होगा पकवास, पकवास होगा एकदम सही बात, जो आपका नॉट वोकल क्योंकि एक एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका कोई आपका वोकल नहीं है। तो यस ये एकदम सही बात, सर्मिलिया शौनाली अमित लबार किरण छेत्री सभी लोगों ने एकदम करेक्ट बात बोला। तो फिर हम लोग चले आते नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज की क्लास के लिए नंबर 20। तो नंबर 20 पर जो आप लोग को दिखाया जा रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इंडियन स्टेट डैश। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन है स्टूडेंट, सबसे पहले ऑप्शन ए पर है वेस्ट बंगाल, बी पर है मध्य प्रदेश, सी पर है उत्तराखंड और डी पर है केरला। तो आइए कमेंट करके बताइए कि आज का आने वाला है करेक्ट आंसर। ये शर्मिला कुशल वेरी गुड आप लोगों ने सही बात बोला, ये आंसर होगा जिन जिन लोग आप लोग ऑप्शन डी मतलब केरला आप लोग बता रहे हो एकदम करेक्ट जवाब, वेरी वेरी गुड वेरी गुड सभी लोगों ने करेक्ट बात बोला। तो फिर हम लोग चले आते हैं आज के सेशन इधर ही हम लोग खत्म करते, कल हम लोग फिर मिलते हैं, कल का क्लास जो रहने वाला है 10 आपका अप्रैल को क्लास को लेकर, ठीक रात को एकदम स्टूडेंट्स हम लोग चले आते एकदम 9 बजे। और कल का क्लास जो रहने वाला है आप लोग को शायद को पता है ये सीए क्लास होगा, तो आप लोग आ जाना अमित सर के साथ साथ लाइव क्लास करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हो तो और भी अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, सब लोग अच्छे से रहिए, मजे में रहिए, सावधान में रहिए, जय भारत जय।